हेलो दोस्तों, आप में से ऐसे कई लोग होंगे जो अपने सिस्टम में वाईफाई यूज करना चाहते हैं, लेकिन वो सिस्टम में वाईफाई ना होने के कारण आप उसे यूज नहीं कर सकते। तो मैं आपके लिए आज ऐसी चीज लेके आऊं जिससे आप अपने कोई से भी सिस्टम में वाईफाई यूज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये वो चीज है यूएसबी पोर्टेबल वाईफाई। ये इसकी मार्केट वैल्यू 150 से 200 रुपए तक के बीच में है और आप इसको अपने लैपटॉप में भी यूज कर सकते हैं। अगर आपका लैपटॉप का वाईफाई खराब है और आप इसको ठीक नहीं करवा सकते तो आप इसको लैपटॉप में भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ इसे कैसे इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ये इसका यूएसबी वाईफाई, तो आपको इसको यूएसबी पोर्ट में लगाना है और इसके अलावा आपको दी जाती है इसमें एक ड्राइवर इंस्टॉल की सीडी। इसको आपको अपने डीवीडी राइटर में लगा के इसके ड्राइवर इंस्टॉल कर लेने हैं, जिसके बाद आपका ये वाईफाई काम करना शुरू कर देगा। सिर्फ आपको उसके बाद वाईफाई कनेक्ट करना है और आपके सिस्टम में वाईफाई चल जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अब आज का रूटर और ये डीवीडी राइटर, तो मैं ये डीवीडी राइटर में लगाता हूँ। ये मैंने डीवीडी राइटर में इसकी सीडी लगा दिया और ये वाईफाई रूटर यूएसबी पोर्ट में लगा दिया। तो आप देख सकते हैं, जैसा कि दोस्तों ये डिस्प्ले पे है, ये ड्राइवर इंस्टॉल करने का आ चुका है। तो मैं, मेरे को जो ड्राइवर इंस्टॉल करना है वो कर सकता हूँ। ये मैं विंडोज में जाके ये सेटअप है ये इंस्टॉल कर लूँगा दोस्तों। वैसे मेरे को कोई जरूरत तो नहीं, मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरे यहाँ पे वाईफाई देखो आ चुका है। ये मेरा एमआई से कनेक्टेड है। या दोस्तों, आप अपने वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ कोई से भी।